तहसील मरीन के अंतर्गत पड़ते गांव हरियाचक नवजात शिशु की मौत के बाद मामला गरमाया, जिसको लेकर लोगों में काफी रोष है। पुलिस ने मौके पर जाकर एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। नवजात शिशु की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल शाम को यहाँ पर किसी बच्चे को दफनाया गया, तो जब मोहल्ले में पता चला तो उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो जो कि आज पुलिस यहाँ पे सुबह आई है और तहकीकात कर रही है, और जहाँ से बच्चा पाया गया मरा हुआ, तो पुलिस कह रही है हम यही चाहते हैं कि जो जिसने भी ये काम किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो भी इसमें शामिल है वो अरेस्ट किए जाएं। ये बच्चा कब दफनाया गया था सर? ये कल रात को 7:30-8 बजे के बीच दफनाया गया था। हाँ जी सर। इस तरह का माहौल है गांव वासियों में, क्या कहते हैं? गांव वाले सभी सर गुस्से में इस करके कि पुलिस जो है तहकीकात करे, जो भी मुजरिम उनको अरेस्ट करे। यहाँ पर गांव वासी काफी रोषित हैं। एक छोटे बच्चे तो रात को ही ऐसा तो प्रूफ तो है। पहले तो रात को राकेश कुमार एक लड़का है, उन्होंने बताया मुझे सुबह बताया, ठीक है, सुबह 10:30 मुझे बताया कि ऐसे ऐसे कि हालात ऐसे हुआ, एक बच्चा है जिसको वहाँ पे दबाया गया है,
ठीक है। उसके बाद गांव वालों ने मेरे साथ संजोग किया और गांव वालों ने बोला कि ऐसे ऐसे सरपंच साहब हैं कि बच्चा कहीं से आया है और कहीं से जो हमारे आशा वर्कर है बीना देवी के घर था और इन्होंने और इनके साथी ने दो दिन उन्होंने दबाया बच्चा जो है वहां खेत में दबा दिया। फिर उसके बाद हरकेश जी ने पूरे मोहल्ले को सुनाया और मेरे पास आए और फिर मैंने पुलिस को दबा दी और पुलिस ने आगे अपनी कार्रवाई की। अभी बच्चे को निकाल लिया, अभी पुलिस अपने कस्टडी में ले गई है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, कौन कसूरबाज है, जो भी कसूरबाज है उसको जल्द जल्दी से जल्द इसको सजा मिलनी चाहिए, सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। जे हमारी बदनामी का एक देखे जाए तो हमारे हरचा की बदनामी हुई है, क्योंकि बदनामी हुई है, हमारे लोगों की बदनामी हुई है, हरी पंचायत की बदनामी हुई है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं और आपको भी हम प्रेस फोटो से भी करते हैं कि जल्द से जल्द इसका हल किया जाए और दोषियों को सजा दिया जाए। मेल था या फीमेल था? मेल था। कितने बजे दफनाया गया था ये सर? मुझे तो 10:30 के पता चला और 7:30-8 बजे राकेश कुमार जो है ना उन्होंने मुझे बताया था, 10:30 बजे बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है और आगे आपको पता है। स्थानीय लोगों में काफी रोष है कि जो जो महिला है इस तरह का काम कार्य पहले भी करती है, कुछ इस तरह के कार्य को अंजाम देती है, क्या कहेंगे सर आपकी नॉलेज? मैं नहीं कह सकता हूँ किसी के लिए किसी को दोष दे देता हूँ। जो भी है, जो कार्य है आपके सामने है, सब कुछ है, कहते हैं कुछ हमसे बोलने के लिए अपना मुंह से बोलो क्या बोलना क्या नहीं बोलना। पैसे तो आपको सभी के लोगों को ही पता है, दलाने की जरूरत तो नहीं है। पुलिस आई हुई है, अभी ने देखा है, अभी पुलिस इसकी कार्रवाई करेगी और छानबीन करे और देखे जो जो भी बंदा जो भी है इसमें उसको सजा मिलनी चाहिए।